कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये भी सच है कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलके ही रहेगा, भले ही उसमें थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए। ऐसी एक कहानी है उस लड़की की जो है उत्तर प्रदेश से, जिसके पिता ने रिक्शा चलाकर अपनी फैमिली का पेट पाला और आज ये लड़की एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। ये लड़की मिस इंडिया की रनर अप हुई है। मान्या सिंह की यहाँ पर बात हो रही है। मान्या सिंह मिस इंडिया का खिताब तो नहीं जीत पाई, लेकिन उनकी कहानी ने सबको टच किया है। मान्या सिंह की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की कठिनाइयां बताई है। और जब मान्या सिंह की ये कहानी सबने सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। इतनी दर्द से भरी है मान्या की जिंदगी। मान्या कहती है कि कई लोग होते हैं जो अपने मूड के हिसाब से और अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उन्हें तो लाइफ ने मूड और मर्जी के हिसाब से काम करने की इजाजत ही नहीं दी, उन्हें तो काम ही करना था। मान्या ने यह भी बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए अपने जेवर तक गिरवी रख दिए। उनके पिता रिक्शा चलाया करते थे, साथ ही मान्या को अगर अपनी पढ़ाई के लिए कहीं से कहीं भी जाना होता था तो वो सिर्फ पैदल चलकर ही जाती थी ताकि रिक्शा के पैसे बच जाए। मान्या ने बताया कि दिन में वो पढ़ाई किया करती थी और शाम को लोगों के घरों में बर्तन धोया करती थी। उन्होंने कहा है कि मैंने और मेरे परिवार ने ऐसी कई रातें देखी है जब हम बिना खाने के ही सोए हैं। कई दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ मीलों चलकर ही बिताए हैं। ये जो जीत है ये मेरे खून पसीने की कमाई है। मान्या कहती है कि एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी होने के नाते मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई क्योंकि पैसों की कमी थी। ऐसे में टीनेज में मुझे काम पकड़ना पड़ा। मान्या कहती है कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं किताबों के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन लक ने मेरा साथ नहीं दिया। आखिरकार मेरे माता पिता को उनके जेवर गिरवी रखकर मेरी फीस चुकानी पड़ी ताकि एटलीस्ट मैं एक डिग्री तो ले लूं और अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाऊं। मान्या ने कहा कि कई सालों तक मैंने इतनी मेहनत की कि दिन के 24 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ जाते थे। मैं दिन में पढ़ाई करती थी, शाम को बर्तन धोने जाया करती थी और रात को कॉल सेंटर पर जॉब करती थी। कहते हैं ना कि इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। आज की डेट में मान्या की कहानी सुनकर यही लगता है कि जब कोई कहता है कि मुझे थकान हो रही है, आज मूड नहीं है, ये सारी चीज़ें जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेज ही है। मान्या जैसे लोग हैं जिनकी इंस्पायरिंग कहानी लोगों को आगे बढ़ने के लिए जागरूक करती है। मान्या ने भले ही बचपन से लेकर एक लंबे समय तक स्ट्रगल ही किया हो, लेकिन आज उस स्ट्रगल का उन्हें फल मिला है। वो आज एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। मिस इंडिया टाइटल तो उन्होंने नहीं कमाया, लेकिन उनकी कहानी ने लोगों को बहुत टच किया कि मिस इंडिया से ज़्यादा मान्या का जिक्र हो रहा है, जो कि शो की फर्स्ट रनरअप है। आपको बता दें कि मिस इंडिया 2020 बनी है मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना से है। वो खुद एक इंजीनियर है।